और आज देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। यूपी के अलग अलग जगहों पर सख्त सुरक्षा के इंतजाम हैं। हम आपको यूपी के 3 शहरों की अब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे वो आजमगढ़ की होगी, दूसरी तस्वीर बिजनौर और तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बकरीद का आज त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है और देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमाज अदा करने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले खुदा की इबादत और उसके बाद कुर्बानी दी जाती है, नमाज के बाद कुर्बानी होती है। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, मुस्लिम धर्म में बकरीद त्यौहार का बड़ा महत्व होता है और किस तरीके से आपसी भाईचारे के साथ इसे मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई, लोगों से अपील की गई कि वो शांति के साथ भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाए। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर सुबह सुबह नमाज अदा की गई, बकरीद की बधाई दी गई और अब देखिए बकरीद पर नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की रस्म होती है। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, कहीं पर सुरक्षा के इंतजाम आप देख रहे हैं, कहीं पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बकरीद के मौके पर ये बड़ी तैयारी की गई है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील है। कई जगहों पर धारा 144 भी लागू है ताकि स्थिति खराब ना हो और एक साथ लोग इकट्ठा ना हो। और वहीं कानपुर में भी शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। देखते हैं संवाददाता रतीश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। आज ईद उल अजहा का दिन है, बकरीद का दिन है और बकरीद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। कानपुर की बड़ी ईदगाह में हम मौजूद हैं और बड़ी ईदगाह में नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। करीब 2 लाख लोग आज बड़ी ईदगाह में जुटे हैं। कानपुर की नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह कही जाती है और यहाँ पर बकरीद की नमाज को अदा किया जा रहा है। तमाम धर्मगुरुओं ने अपील की थी शांति अमन चैन की, हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और आपको त्यौहार आपको दिखाएं कि ड्रोन कैमरों से इसकी निगरानी भी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ साथ तमाम सुरक्षा के उपाय यहाँ पर किए गए हैं। जो नमाज है, नमाजी यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखने की कोशिश की गई है कि सड़क पर नमाजी नमाज अदा ना करें। एक तरफ का रूट बंद किया गया है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो आमतौर पर सड़क बंद रहती थी, यातायात बंद रहता था, लेकिन इस बार यातायात को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। एक तरफ का रोड पूरी तरह से चालू है और आपको सुरक्षा के प्रबंध भी दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा के इंतज़ाम किस तरह से हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम दिखाएं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, महिला पुलिस हैं और PSC हैं, तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अराजक तत्व अगर कोशिश करता है तो उसकी कोशिश को नाकाम किया जाए। देखिए सब्स्टिट्यूट उपाय भी किए गए हैं। जो नमाजी हैं वो सड़क पर नमाज अदा करते थे, मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कराते हुए सड़क पर नमाज अदा करने नहीं दी जा रही है। हालाँकि एक तरफ का रूट ज़रूर खुला हुआ है, लेकिन एक तरफ सड़क पर नमाज अदा हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, यानी कुछ संख्या में लोगों को यहाँ से हटाया भी गया, लेकिन नमाज शुरू हो गई थी इसलिए एक तरफ सड़क पर नमाजी नमाज को अदा कर रहे हैं। बड़ी ईदगाह है कानपुर की, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं और नमाज अदा करने के बाद अब कुर्बानी का दिन है तो अपने प्यारे की कुर्बानी देंगे और बकरीद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। तो चलिए किस तरीके की तैयारियां हैं, कैसे लोग मना रहे हैं बकरीद को, ये समझने के लिए हम ग्राउंड का रुख करेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करेंगे मोहम्मद मोइन से जो प्रयागराज से जुड़े हैं, उनको भी मुबारक देते हुए हम समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसा माहौल है बकरीद पर। जी मोइन, त्यौहार आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईदगाह समेत तमाम मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है और इसके साथ साथ नमाज के बाद खास दुआएं की जा रही हैं। विशेष दुआ की जा रही है ताकि मुल्क में अमन चैन कायम रहे, शांति कायम रहे, मुल्क की तरक्की होती रहे। साथ ही साथ घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है और उन इलाकों में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं जहाँ पिछले महीने यानी 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। तो जो शहर के
पुराने मोहल्ले हैं उन्हें छावनी में तब्दील कर दिया गया और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के रामबाग इलाके के ईदगाह में, जहां आप देख सकते हैं कि एक साथ हजारों लोग खुदा की बारगाह में सजदे करते हुए ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज खत्म हो गई है, नमाज शांत खत्म हो गई है और अब दुआ की जाएगी। तो यहाँ आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि एक साथ हजारों लोगों ने खुदा की बारगाह में सजदे किए हैं, दुआ मांगी जा रही है और इसी तरह की तस्वीरें प्रयागराज के अलग अलग मस्जिदों में, दूसरी ईदगाहों में भी देखने को मिल रही है, जहां पर एक साथ लाखों लोग, हजारों लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है, जगह जगह मेले लगे हुए हैं, बच्चों ने नए कपड़े पहन रखे हैं, घरों में सेवैयाँ बन रही हैं, लोग गले मिलकर एक दूसरे को इस ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से ये अपील भी कर रहे हैं कि लोग कुर्बानी करते वक्त कानून का पूरी तरीके से पालन करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों या फिर कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो। तो यहाँ ईदगाह में जुमे की जो ईद की नमाज है वो ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद जो अकीदतमंद है वो वापस जाने लगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इस वक्त जो है वो दुआ की जा रही है, लोग हाथ उठाकर जो है वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मुल्क में शांति रहे, अमन चैन कायम रहे और ये दुआ की रस्म यहाँ पर अदा की जा रही है। प्रयागराज में ईद का जो त्यौहार बिल्कुल मोइन, आपने तस्वीरें दिखाई हैं और ये सजदे की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं वो तस्वीरें हमने देख ली। अब आइए आगरा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय मौजूद हैं, उनके कैमरे से भी हम तस्वीरों को देखेंगे, सुरक्षा व्यवस्थाओं और तमाम तैयारियों का जायजा लिया होगा नितिन ने, बताइए नितिन। ठीक है, बिल्कुल, देखिए मैं इस समय ताजमहल के पश्चिमी गेट पर मौजूद हूँ और जो कहा जाए जो नमाज है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ अदा की गई है और तमाम जो नमाजी हैं वो अब निकलकर बाहर जा रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से अल्लाह की शान में लगातार जो सजदा पड़ा गया है, लगातार तमाम जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो पूरी तरह से फॉलो किए गए हैं और विशेष तौर पर आज के दिन ASI ने 3 घंटे के लिए ताजमहल को टूरिस्ट के लिए, नमाजियों के लिए पूरी तरह से निशुल्क एंट्री रखी हुई है। तो तमाम जो कहा जाए जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके निकल रहे हैं। विशेष तौर पर आज के दिन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताजमहल में जो स्थानीय लोग हैं उनको नमाज अदा करने के लिए विशेष तौर पर यहाँ इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में जो कहा जाए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है और लगातार यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ डिप्लॉय रहे हैं। लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है। तो हमारे साथ हैं राष्ट्रीय सुरक्षा स्मारक समिति के मुनव्वर जी, आप बताइए किस तरीके से नमाज अदा की गई, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा? ये व्यवस्था ये नमाज वाकई बहुत अच्छी हुई है और इस पुरसकून के साथ, इतने जोश खरोश से मैंने कभी नहीं देखा जिस तरह से लोगों ने इसमें शिरकत की है। मुझे लगता है कि नमाज ऐसी ही होनी चाहिए। नमाज 3 घंटे के लिए ताजमहल की निशुल्क एंट्री दी गई है, चाहे वो टूरिस्ट हों चाहे वो नमाजी हों, एक तोहफा है सरकार का। बिल्कुल तोहफा है सरकार का और ये तोहफा हर साल दिया जाता है और ये अच्छी बात है कि इस तोहफे से लोगों में बहुत अच्छा संदेश गया है और बहुत टूरिस्ट इसमें बहुत गए हैं, बहुत गए। व्यवस्थाएँ ठीक हैं? व्यवस्थाएँ बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। CISF और ASI और स्थानीय पुलिस भी सहयोग कर रही है इसमें। तो मुझे किस तरीके से लगता है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई ऐसी कोई विवादित जगह पर कुर्बानी ना हो, घर में शांतिपूर्वक तरीके से कुर्बानी दी जाए, ये सारी चीज़ों को कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के? मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत बहुत हमेशा से करते चले आए हैं और अब भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और बल्कि घरों में गड्ढे कर दिए हैं, घरों में कुर्बानी अगर हो रही है तो उसका खून बाहर ना जाए, आपस में बड़ी जानकारी के तौर पर सर्कुलेट भी की जा रही है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर निकल करके आएगी वो रामपुर से आएगी। रविशंकर दुबे हमारे सहयोगी है, उनका रुख करते हैं क्योंकि आजम खां लंबे वक्त के बाद ईद मनाते नजर आएंगे, तस्वीरें आएंगी, किस तरीके की तैयारी है रवि? बिल्कुल, आपको
बता दूं रामपुर जो है गंगा जमुनी चलती माना जाता है और ऐसे में आजम खान इस बार रामपुर में है। लगभग 27 महीने जेल में रहने के बाद में अब वो रामपुर पहुंचे हैं और रामपुर में ये जो ईद रहने वाली है बहुत खास रहने वाली है। इसके लिए आजम खान ने आज अपने कार्यालय पर ईद मिलन समारोह रखा है जिसमें कि 1 बजे वो पहुंचेंगे और उसमें अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। तो जितने कार्यकर्ता हैं, जितने उनके मिलने वाले, जितने समर्थक हैं, वह सभी आज कार्यालय पर पहुंच के ईद मिलेंगे उनसे और ईद की मुबारकबाद देंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूँ, फिलहाल तो जो कार्यालय है वो अभी बंद है लेकिन लगभग 1 बजे यहाँ पर जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जिसके बाद में लोग मिलने आने लगेंगे और उसके बाद में ईद समारोह यहाँ मनाया जाएगा। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी के कैमरे से हमने देखा किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में आप नजर बनाए रखिएगा, वो तस्वीर भी बेहद खास होगी जब 27 महीने के बाद आजम खान रामपुर में अपनों के साथ ईद मनाएंगे खुली हवा में। तो ये तीन तस्वीरें और तीन तैयारियां किस तरीके से ईद मनाई जा रही है, उसके बाद नमाज की तस्वीरें प्रयागराज से आपने देखी जहाँ किस तरीके से लोग दुआ मांगते नजर आए, एक साथ हजारों की संख्या में मौजूद है लोग, शांतिपूर्ण तरीके से अमन चैन सुख शांति की दुआ मांगते नजर आ रहे हैं, एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। हमने ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई सहयोगी मोहन के कैमरे से और इसके अलावा आपने देखा किस तरीके से अयोध्या में भी तमाम लोग खुश दिखाई दे रहे हैं इस बार की नमाज अदा करके। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, सहयोगी जया का रुख करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।